हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस, जैसा कि आज रक्षाबंधन का पर्व है, तो रक्षाबंधन मतलब भाई बहनों का त्यौहार है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई में एक रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो बहनें राखी पहनाते समय मन में यही ख्याल रखती हैं कि उनके भाई की आयु लंबी हो, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि यूं ही बने रहे। और उसी प्रकार भाई भी यही सोचता है कि जीवन में बहन की कभी भी कोई दुख समस्या कुछ आए तो वो उनके लिए हमेशा खड़े रहे। तो यही इसीलिए कहते हैं भाई बहनों का बहुत ही प्यारा त्यौहार। तो गाइस, वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, तो मैं दिखाऊंगी वीडियो के थ्रू कैसा रहा मेरा रक्षाबंधन। तो गाइस, अभी मैं आई हूँ अपनी चाची के घर, तो चलो भाई के बांधती हूँ राखी, तो वीडियो पे बने रहना। तो गाइस, अभी मैं आई हूँ अपनी ताई जी के घर। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे सारे रिलेटिव्स मेरे घर के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं चाचा के घर गई थी और अब आई हूँ ताई जी के घर, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। तो इसको बोलते हैं घर में भोलू। यहाँ ताई जी, तो गाइस देखो, मैं आई हूँ ताई जी के घर। तो ये दोनों बैठे हैं, ये बड़े भैया हैं और ये देखने में ही बड़ा है पर ये छोटा है मुझसे एक साल। तो गाइस, ये रहे हम सब, अब चलते हैं अगले घर में। अगले घर में अगला घर कौन सा होगा? अब अगला घर है मामा का घर, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। ये देखो, बाय बाय। गाइस, अब मैं आई हूँ बड़े मामा के घर, तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। अभी मम्मी लोग तो नहीं आए, मम्मी और मौसी, तो मम्मी और मौसी बांधेंगे मामा के और मैं बांधूंगी रोहित। अपनी बहनों के इंतजार में पकोड़े बनाते हुए देखा है कहीं आपने ऐसा भाई? रक्षाबंधन में देखो टफी, और ये टफी बहुत खुश हो रहा है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ये देखो, ये दोनों हैं तैयार हो रखे, रेडी हो गए दोनों। यू भी हो गई है, टीना भी हो गई है। टफी, टफी के भी राखी बांधी है, जरा दिखाओ टफी की राखी। टफी की राखी, वाओ। ये देखो गाइस, टफी ने भी राखी बांधी है। टफी का रक्षा बंधन हो रहा है, टफी को रक्षा सूत्र पहनाया है। टफी लोग भी आ गए हैं। मम्मी यहाँ बहुत ही ग्रीनरी हो रखा है, बैकग्राउंड तो अच्छा लग रहा है। मामा की बहनें आ चुकी हैं, पर मामा का हाथ नहीं रुक रहा। ये देखो, बहन के लिए प्यार। ये हैं दोनों दीदी। और यहाँ देखो, ये अपना जुगाड़ करते हुए, और ये आया है ऋतिक शर्माता हुआ, और ध्रुव तो कुछ ज्यादा ही शर्मीला। ये देखो, यहाँ बैठ के अपनी बॉडी बना रही है, शरीर देख के लगा सकते हो कितना असर हुआ इसके। ढाई ढाई किलो का सिर्फ। पहले बैठ गए कि इन्हें बाद में बांधना, पहले मेरे बांधो टफी। ये देखो, ये ऐसे बैठे हैं जैसे शादी में अभी इन्हें खाना मिलेगा, परोसा होगा, परोसा जाएगा। तारों का सबका कहना है,
एक हजारों में सारी उम्र हमें संग रहना है। अब दूसरी बहन ये है बड़ी मामी। कहा जब ये भाई जा रहे हैं तो क्यों ना मैं भी आगे चलता हूँ इनके साथ, तो ये भी आ गया। कैमरे के आगे ऐसे शर्माता है जैसे दुल्हन पहले जमाने की दुल्हन शर्माती थी। देखो छोटे से लड्डू गोपाल, देखो कितने क्यूट हैं, प्यारे से हैं। पास के पास दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि इनने बाल भी कोड़ी है। रोहित शर्मा आते हुए टीका लगवा रहा है। क्या हुआ पीहू, आपके हाथ से पकोड़े नीचे गिर रहे हैं। भीड़ भाड़ देख के टफी कह रहा है मैं कौन सा कोना पकड़ूं। ये देखो वो नमस्ते करो टफी, नमस्ते करो ये। अच्छा डुगु अब क्या खाएगा इसमें से, डुगु कौन सा वाला खाओगे? ये व्हाइट वाला, रुको मैं देती हूँ मिलेगा मिलेगा। रसगुल्ला मांग रहे हैं ये बताओ। व्हाइट वाले की डिमांड ज्यादा है।
एक ही मिला है जिसने ब्लैक वाले के लिए बोला है, और ये वाली कटोरी तो किसी ने ले ही नहीं। आई है पूजा दीदी, आई है घर पे डुगू के राखी बांधने के लिए, और डुगू तो सो रहा था वैसे ही बांध दी। और ये है हर्षिता, तो ये हर्षिता है, और ये है पूजा दीदी की बेटी, और मैं इसकी मौसी। बाय 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 हर्षिता।